पछमी बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्ट्रैंड रोड की बहुमंजिला इमारत में अग लगन कारण 9 लोगों की मौत हो जाने का दुखदाई समाचार प्राप्त हुआ है। इस हादसे तो बाद मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने मौके पर पहुंच के स्थिति का जायजा लिया और मृतकों के परिवारों को 10 लाख की वित्तीय सहायता और परिवारक मैंबर को नौकरी देने का ऐलान किया। उधर रेलवे दफ्तर की मल्टी स्टोरी इमारत में लगी अग तो बाद 4 फायर फाइटर, 2 रेलवे कर्मचारी और 1 पुलिस कर्मचारी सने 9 लोग मारे गए ने। यह अग बीती शाम करीब 6 बजे शुरू हुई, जिस तो बाद अग बुझाने लिए फायर ब्रिगेड दियां करीब 10 गड्डियां मौके ते पहुंचियां। इस इमारत में पूर्वी रेलवे और दक्षिणी पूर्वी रेलवे के जोनल दफ्तर ने और जमीनी मंजिल से एक कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग केंद्र है। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हकीम और मंत्री सुजीत बोस भी मौके पर पहुंच गए। सुजीत बोस ने दसिया है कि जगह घट होने कारण अग बुझाने मुश्किल पेश आई सी। मंत्री सुजीत बोस अनुसार जिस इमारत में यह हादसा होया उसकी 13वीं मंजिल से पूर्वी रेलवे का एक दफ्तर है। अग लगन का कारण अजे स्पष्ट नहीं हो सकी है। उधर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करदिया कोलकाता अग हादसे से दुख जाहर किया है। उन्होंने अग बुझाने वाले कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भेंट की है। देश दुनिया की हर खबर से नज़र रखने के लिए हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़ने के लिए लॉगिन करो साडी वैबसाइट से www.apnapunjabmedia.com ते तेसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकते हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट से।